अपने आप उठेगी, चाहे मुझे इसको लोग राजनीति मुद्दा दें चाहे कुछ भी दें, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, बस मैं अपने पैसे से, कोई मेरा एनजीओ नहीं है, मैं अपने पैसे से अगर करोड़ों रुपया कमाता हूँ तो उसमें से 20 लाख खर्चा करने की कोशिश करता हूँ अपने जनता के लिए, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, इस लायक बनाया है। तो मेरी अपेक्षा यही है कि हर आदमी अगर इस टाइप के काम करेगा तो शायद जो जो अपेक्षा हम अपने पब्लिक से करते हैं तो पब्लिक भी हमसे अपेक्षा करती है, अच्छे सिनेमा के अलावा भी वो चाहती है कि हमारा स्टार हमारे बीच आकर हमारे दुख में शामिल हो, क्योंकि हम कोई भी सिनेमा बनाते हैं लोगों के दर्द दिखाते हैं तो उस दर्द में हमें शामिल होना चाहिए। तो मैंने एक कोशिश की है, ऐसे हर आदमी को करना चाहिए। देखिए मैं कह ही सकता हूँ, लोग कहते हैं कि आप करते हैं तो दिखाते क्यों हैं, बताते क्यों हैं। शिवरी के जूठा बैर भगवान राम ने खाया था, लेकिन रामायण में उसको बताया गया है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठाया था, लेकिन उनको बताया गया था। तो देखिए कुछ चीज़ें तो होता है कि देखा देखी पुण्य और देखा देखी पाप होता है। अगर आप अच्छा करेंगे, नहीं बताएंगे तो आपको देखकर दुनिया वो चीज़ें नहीं करेगी, लेकिन आप बताएंगे तो दुनिया कहेगी कि यार ये आदमी करता है, मुझे भी करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब किसी के दुख में शामिल होना, अगर राजनीति दुनिया कहती है तो मुझे उसका परवाह नहीं है, अगर वो राजनीति है तो मैं वो राजनीति करना चाहता हूँ ताकि लोगों के दुख में थोड़ा सा शामिल हो जाऊँ। मनोज भैया जब भी हम लोगों से मिलते हैं वो बीजेपी के होके नहीं मिलते हैं, वो बीजेपी के होके मिलते तो शायद मैं उनसे नहीं मिलता। वो एक आर्टिस्ट है, वो एक अच्छे इंसान है, हमारी व्यक्तिगत रिलेशन है उनसे, और मेरी व्यक्तिगत रिलेशन लालू यादव से भी है, मेरी व्यक्तिगत रिलेशन मोदी जी से भी है, राहुल जी से भी है, मेरी व्यक्तिगत मायावती जी से भी है और अखिलेश जी से भी है। तो मेरी व्यक्तिगत रिलेशन है, वो पार्टी के होके कोई मुझसे मिलेगा तो शायद मैं नहीं मिलूँ, उनके चुनाव प्रचार में जाऊँगा तो मैं पैसा लेकर जाऊँगा, सॉरी वहाँ व्यक्तिगत चीज़ें नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर मनोज भैया मुझे पर्सनली बुलाते हैं तो वो मेरा रिश्ता है। आज मेरे पापा मान के चले कि अगर वो कांग्रेस में चले गए, मेरे पापा ही कांग्रेस में चले गए, मैं बीजेपी में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके विरोध करेंगे, वो मेरे पापा हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा, वो मेरा अपना व्यक्तिगत रिश्ता है। आर्टिस्ट किसी पार्टी से नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और मैं किसी एक इंसान का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। चाहे वो आज मेरे मनोज भैया मेरे आदर्श हैं, बड़े भाई हैं, वो गए जहाँ भी हो, लेकिन आज वो हमसे मिले तो वो बीजेपी के होके नहीं मिले मुझसे, वो एक व्यक्तिगत रिलेशन है, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं उनका पैर छुआ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो वहाँ कोई पार्टी का ऐसा नहीं कि कमल का फूल मेरे बाल में खोज दिया कि नहीं बेटा कमल का फूल लेते जाओ, उन्होंने हाथ अपना रखा मेरे ऊपर और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि खुश रहो। तो वो हमारा व्यक्तिगत, दो बड़े भाई और छोटे भाई का रिलेशन है, तो इससे मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। अगर ये दुनिया को लगता है कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ तो मैं किसी को सफाई तो दे नहीं सकता और कितने लोगों को सफाई दूंगा। लोगों को लगता है तो लगने दीजिए। मैं एक ही बात बोला कि सूर्य जब उगता है तो आधी दुनिया सोई रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य उगना छोड़ दे, वो उगेगा, मैं उगना चाहता हूँ, मैं उगूंगा, भले दुनिया मुझे कुछ भी कहे। आपसे भी मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई चुनाव प्रचार कर रहा हूँ या मैं किसी पार्टी का हूँ, मैं आज़ाद पंछी हूँ, मैं किसी भी डाल पर बैठ सकता हूँ और मेरे लिए